राजस्थान के इतिहास के मुख्य स्रोतों में आधुनिक इतिहासकारों और उनके ग्रंथों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल टॉड का जन्म इंग्लैंड के इंग्लिस्तान में हुआ था और वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक रंगरूट के रूप में भारत में आए थे। 1817 से 1822 ईस्वी के मध्य टॉड को पश्चिमी राजपूत राज्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम करने का अवसर मिला और इस अवधि में टॉड ने राजपूत राज्यों के इतिहास से संबंधित सामग्री को जुटाने का प्रयास किया। उन्होंने राजपूत जाति एवं शासकों से इतना लगाव हो गया था कि उसके अधिकारियों को कंपनी के प्रति उसकी स्वामी भक्ति के बारे में भी संदेह हुआ और 1822 में उन्होंने अपने बिगड़ते हुए स्वास्थ्य का बहाना बनाकर त्यागपत्र दे दिया। कंपनी की सेवा से अवकाश प्राप्त करने के बाद कर्नल टॉड इंग्लैंड चले गए और वहीं पर उन्होंने अपने द्वारा प्रकाशित ऐतिहासिक सामग्री को साहित्यिक कृति के रूप में प्रकाशित करने का निश्चय किया। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ एनल्स एंड एंटीक्विटीज़, उसके प्रथम खंड का प्रकाशन 1829 में और दूसरे खंड का 1832 में हुआ। पश्चिमी भारत की यात्रा नामक ग्रंथ उनकी मृत्यु के बाद 1839 में प्रकाशित हुआ। टॉड का एनल्स यह राजस्थान और राजपूतों के बारे में एक प्रकार का विश्वकोश है। इसमें केवल राजस्थानी नहीं अपितु भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की बहुत सी ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध होती है जो यहाँ किसी अन्य दूसरे ग्रंथ में नहीं मिलती है। एनल्स के प्रथम खंड में राजपूताने की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली, तत्कालीन सामंत व्यवस्था और वीरभूमि मेवाड़ का इतिहास है। वहीं दूसरे खंड में मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर और हाड़ोती के राज्य का इतिहास है। पश्चिमी भारत की यात्रा इस ग्रंथ में टॉड ने इन क्षेत्रों का भ्रमण करते समय व्यक्तिगत अनुभवों के साथ साथ राजपूती समाज में प्रचलित परंपराओं, अंधविश्वासों, आदिवासियों के जीवन, मंदिर, मूर्तियों, पंडे, पुजारियों, कुमक्कड़ जातियों, अनिलवाड़ा का इतिहास, अहमदाबाद तथा बड़ौदा के इतिहास के बारे में लिखा है। एक विदेशी होते हुए भी उसने राजपूत समाज में नीति नियम, शासन व्यवस्था, रीति रिवाज आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी, जिससे उसकी महान प्रतिभा का पता चलता है। टॉड के एनल्स के प्रकाशन के पूर्व यूरोप वासियों की राजपूत जाति के बारे में न तो विशेष जानकारी थी और न ही रुचि। एनल्स ने उन लोगों को राजपूतों के प्रति आकर्षित किया। टॉड की इस मान्यता ने कि यदि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपोली जैसी युद्ध भूमि न हो और शायद ही ऐसा कोई नगर मिले जिसमें लियोनियस जैसा वीर पुरुष पैदा न हुआ हो, यूरोप वासियों को आश्चर्यचकित कर दिया। किंतु अति महत्वपूर्ण होते हुए भी टॉड का ये ग्रंथ दोषयुक्त है क्योंकि राजपूत जाति के बारे में टॉड का विवरण अपूर्ण है। आधुनिक विद्यार्थी के लिए उसका ग्रंथ संदर्भ मात्र रह गया है क्योंकि ये वैज्ञानिक पद्धति से लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। आधुनिक काल में प्रशस्तियों, साहित्यिक ग्रंथों, मुद्राओं, प्राचीन लेखों और भग्नावशेषों के आधार पर ही अन्वेषण हुए और उन्होंने इतिहास की घटनाओं पर नूतन प्रकाश डाला और कई अशुद्धियों के निराकरण में हमें उनसे सहायता प्राप्त हुई। एनल्स की इस कमी का एक कारण यह है कि टॉड को जितनी सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई। दूसरा ये कि टॉड स्वयं संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं का जानकार नहीं था और इन भाषाओं में उपलब्ध सामग्री के अनुवाद के लिए उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ा था। अनुवादकों द्वारा जाने अनजाने में की गई भूलों को टॉड दूर नहीं कर पाए। उदाहरणतः मेवाड़ के महाराणा कुंभा का विश्वसनीय इतिहास प्रशस्तियों में उपलब्ध है किंतु टॉड इनका उपयोग नहीं कर पाए। उन्होंने वीर गाथाओं का सहारा लिया जिसके परिणाम स्वरूप प्रारंभिक इतिहास लिखने में बहुत सी भूले कर बैठे थे। फारसी साधनों का भी सही उपयोग नहीं होने से टॉड दिल्ली के सुल्तानों के साथ राजपूतों के संबंधों का सही विवरण प्रस्तुत नहीं कर पाए। यदि वह अमीर खुसरो के खजाइनुल फुतो के संपर्क में आए होते तो निश्चय ही अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान का सही विवरण देते। इसके स्थान पर टॉड ने जायसी की कथा पद्मावत से अधिक आकर्षित हुए। इसी प्रकार टॉड राणा प्रताप और अकबर के संघर्ष तथा राणा अमर सिंह द्वारा मुगलों के साथ की गई संधि के साथ भी न्याय नहीं कर पाए।
टॉड शायद सेहतबंदियों की मृत्यु के समय भी याद नहीं रहा था, इसलिए उसने जोधपुर के अजय सिंह की मृत्यु के साथ उसको भी जोड़ दिया। राजस्थान में मराठा अभियानों का विवरण जिस तरह से टॉड ने प्रस्तुत किया है वह अतिशयोक्तिपूर्ण है। इसी प्रकार टॉड ने राजपूत राज्यों और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य होने वाले राजनीतिक आदान प्रदान का विस्तार से वर्णन भी नहीं किया है। दूसरे प्रमुख इतिहासकार हैं सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर के रचयिता मिश्रण का जन्म 1925 में हुआ था। इनके पिता का नाम चंडीदान और माता का नाम भवानीबाई था। सूर्यमल मिश्रण बूंदी दरबार में दरबारी कवि के रूप में प्रसिद्धि पाई थी। उनके द्वारा लिखित काफ़ी ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, जिनमें प्रमुख है वंश भास्कर, वीर सत्सई, बलवंत विलास, छंदोब मूल, राम रंजाट, सतीरासो, धातु रूपावली आदि। महाराव की आज्ञा अनुसार विक्रम संवत 1897 से उन्होंने वंश भास्कर लिखना शुरू किया, किंतु बाद में महाराव से अनबन हो जाने पर उन्होंने उसे बंद कर दिया। बाद में उनके पुत्र मुरारी दान ने इस ग्रंथ को पूरा किया। इसकी भाषा न तो शुद्ध रूप से डिंगल है और न ही शुद्ध रूप से पिंगल है। वंश भास्कर में वर्णित इतिहास का क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है। हालांकि सूर्यमल मिश्रण का मुख्य ध्येय बूंदी के हाड़ा वंश के शासकों का इतिहास लिखना था, फिर भी वंश भास्कर में राजपूताने का ही नहीं अपितु उत्तरी भारत का इतिहास समाया हुआ है। ग्रंथ के आरंभ में अग्निवंशीय क्षत्रियों की चारों शाखाओं प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान की अग्निकुंड से उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। इसके बाद उनकी वंशावलियों का उल्लेख है। इस संबंध में विभिन्न शासकों द्वारा स्थापित किए गए नए राज्यों, उनके द्वारा लड़े गए युद्धों और प्राप्त विजयों का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है। उसके बाद चौहान वंश की विभिन्न शाखाओं उप शाखाओं का वर्णन है और उसके बाद महाकवि ने बूंदी के राजवंश का विस्तृत इतिहास लिखा है। बूंदी राजवंश का जिन राजवंशों से संबंध रहा है उसके इतिहास पर भी प्रकाश डाला गया है। इससे बूंदी राज्य के अन्य राज्यों के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने में सहायता मिलती है। वंश भास्कर की रचना के लिए महाकवि ने उस समय में उपलब्ध ऐतिहासिक साधनों का पूरा पूरा उपयोग किया है। राजनीतिक इतिहास के साथ साथ वंश भास्कर का महत्व सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास के जानने के रूप में भी है। मध्यकालीन शास्त्र जीवन का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। धार्मिक विश्वास, सामाजिक रीति रिवाज, मनोरंजन के साधनों, उत्सव त्यौहारों, मंदिर और मूर्तियों का विध्वंस, हिंदुओं द्वारा किए गए धर्म परिवर्तन, तत्कालीन सैन्य सज्जा, अभियान नीति आदि का विस्तृत वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। ऐतिहासिक शोध की दृष्टि से वंश भास्कर का चाहे जो स्थान निर्धारित किया जाए इसमें कोई संदेह नहीं कि सूर्यमल मिश्रण ने राजपूतों के इतिहास और उनकी संस्कृति की विस्तृत जानकारी इसमें प्रदान की है। कविराज श्यामलदास। श्यामलदास का जन्म मेवाड़ के छालीवाड़ा गांव में हुआ था। उन्होंने मेवाड़ के तत्कालीन महाराज शंभू सिंह ने उदयपुर राज्य का इतिहास लिखने को कहा और इसके लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की गई, जिसमें श्यामलदास के अलावा मौलवी अब्दुल गनी खां और बाबू राम प्रसाद को भी नियुक्त किया गया था। इस विभाग ने ऐतिहासिक सामग्री, शिलालेखों, दान पत्रों, सिक्कों, फरमानों, राजकीय पत्र व्यवहार आदि को एकत्रित किया और इस सामग्री के आधार पर श्यामलदास ने 1871 ईस्वी में वीर विनोद लिखना प्रारंभ किया, जो शायद 1892 के आसपास छपकर तैयार हुआ। इस ग्रंथ की रचना में लगभग 21 वर्ष लगे और मेवाड़ राज्य ने इस पर 1,00,000 से भी अधिक रुपए व्यय किया। वीर विनोद 4 खंडों में 2,259 पृष्ठों का एक विशाल ग्रंथ है। महाराणा शंभू सिंह और उसके उत्तराधिकारी महाराणा सज्जन सिंह ने वीर विनोद की रचना में पूरा सहयोग दिया था, किंतु सज्जन सिंह के उत्तराधिकारी महाराणा फतेह सिंह ने किसी कारणवश इस ग्रंथ के प्रचलन पर रोक लगा दी थी। वीर विनोद मुख्य रूप से उदयपुर राज्य का इतिहास है, किंतु प्रसंगवश इसमें उन सभी राज्यों का इतिहास भी दिया गया है जिनका उदयपुर राज्य के साथ किसी न किसी रूप में संबंध रहा। इस प्रकार यह ग्रंथ एक प्रकार से संपूर्ण राजस्थान का इतिहास है। राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ लेखक ने सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्था का भी विशद विवरण किया है। भारत की ब्रिटिश सरकार ने श्यामलदास को केसर ए हिंद की उपाधि से भी सम्मानित किया था और महाराणा ने उनको कवि राजा की उपाधि से विभूषित किया गया था।
इसमें कोई संदेह नहीं कि वीर विनोद राजस्थान के इतिहास की जानकारी के लिए एक अनमोल ग्रंथ है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म सिरोही राज्य के रोहिड़ा ग्राम में हुआ था। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा अपने पिता के पास सिरोही में ही प्राप्त की थी। बाद में वह बम्बई चले गए, जहां उन्होंने मिडिल और हाई स्कूल पास की। बाद में वहां वापस आकर उदयपुर बस गए और तत्कालीन रेजिडेंट ने उन्हें सरकारी नौकरी में रख लिया। ओझा जी को उदयपुर में एक संग्रहालय के निर्माण का भी काम सौंपा गया था। ओझा जी ने 20 वर्ष तक उदयपुर में नौकरी की। इसके बाद वे अजमेर में नियुक्त राजस्थान के रेजिडेंट कर्नल अर्सकिन के संपर्क में आए। अर्सकिन ने ओझा जी को अंग्रेजी सरकार की नौकरी देकर अजमेर बुला लिया और 1908 में उन्हें राजस्थान म्यूजियम का क्यूरेटर यानी अध्यक्ष बना दिया गया, जिस पर ओझा जी ने 30 वर्ष तक कार्य किया। 1911 में ओझा जी का पहला ग्रंथ सिरोही राज्य का इतिहास प्रकाशित हुआ। इसके बाद उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ के गोहिल सुसोदिया राज्यों का इतिहास लिखा। इसके बाद ओझा जी ने बीकानेर राज्य का इतिहास लिखा और फिर जोधपुर राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया, जिसकी केवल 2 ही जिल्दें प्रकाशित हो पाई। महाराजा मान सिंह के उत्तराधिकारियों का इतिहास वे पूर्ण नहीं कर पाए। वे कछुआ और चौहान राज्यों के इतिहास की ओर भी ध्यान नहीं दे पाए। इसी प्रकार जैसलमेर, भरतपुर, अलवर, करौली, टोंक के इतिहास की ओर भी ध्यान नहीं दे पाए। फिर भी ओझा जी प्रथम पूर्ण राजस्थान के इतिहासकार माने जाते हैं। श्यामलदास ने उदयपुर का इतिहास लिखा और प्रसंगवश अन्य राज्यों का इतिहास लिखा। सूर्यमल मिश्रण केवल बूंदी तक सीमित रहे। नारायण सिंह जोधपुर के इतिहास की तरफ अधिक आकर्षित रहे, किंतु ओझा जी ने संपूर्ण राजस्थान के कलेवर को टटोलकर राजस्थान के इतिहास की रचना की थी। मुंशी देवी प्रसाद उर्दू, फारसी, अरबी भाषाओं के ज्ञाता थे। पहले वे टोंक राज्य की सेवा में नियुक्त थे, बाद में जोधपुर राज्य की सेवा में चले आए, जहां उन्होंने काफ़ी उन्नति की। मुंशी देवी प्रसाद ने कई फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया, जिनमें बाबरनामा, हुमायूंनामा, जहांगीरनामा, औरंगजेबनामा आदि प्रमुख हैं। हिंदी भाषा में उन्होंने स्वतंत्र रूप से जोधपुर नरेश जसवंत सिंह की जीवनी, उदयपुर तथा जयपुर के शासकों की जीवनी, मारवाड़ की जातियों और उपजातियों का वृत्तांत आदि लिखा। उनके द्वारा रचित स्वप्न राजस्थान आधुनिक राजपूत शासकों के चरित्र का विशुद्ध रूप प्रस्तुत करता है। रामनाथ रत्नु जयपुर में नोबल स्कूल में प्रधान अध्यापक के रूप में काम करते थे और इस पद पर रहते हुए उन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा। जोधपुर नरेश माधो सिंह की विशेष कृपा न देखकर रामनाथ जी जोधपुर राज्य की सेवा में चले गए और वहां से ईडर और फिर किशनगढ़ राज्य की सेवा में रहे। रामनाथ रत्नु द्वारा रचित राजस्थान का इतिहास वंश भास्कर अथवा वीर विनोद की भांति विशाल न होते हुए भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कृति है। जगदीश सिंह गहलोत ने 3 खंडों में राजस्थान का संपूर्ण इतिहास लिखा। प्रथम खंड 1937 में प्रकाशित हुआ, जिसमें राजस्थान के सभी गोहिल सुसोदिया राज्यों के साथ करौली के यादव और जैसलमेर के भाटी राजघराणों का भी विवरण है। दूसरा खंड उनकी मृत्यु के बाद 1960 में प्रकाशित हुआ, जिसमें जयपुर, आमेर के कछुआ राज्य तथा अलवर के नरुका राज्य का इतिहास है। स्वर्गीय गहलोत के अधूरे कार्य को बाद में उनके सुपुत्र सुखवीर सिंह गहलोत ने पूरा किया। इन प्रमुख इतिहासकारों के अलावा अन्य कई व्यक्तियों ने राजस्थान के इतिहास के अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं, जिनसे शोधकर्ताओं को काफ़ी मदद मिलती आई है। ऐसे लोगों में पंडित गंगा सहाय का वंश प्रदीप, हरविलास शारदा का महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा की जीवनी तथा अजमेर का इतिहास, फणीश्वर नाथ रेयू का मारवाड़ का इतिहास आदि प्रमुख है। इसके बाद के इतिहासकारों में डॉक्टर मथुरा लाल शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर रघुवीर सिंह जी, डॉक्टर सतीश चंद्र अग्रवाल, डॉक्टर नारायण सिंह भाटी, डॉक्टर MS जैन, डॉक्टर रामप्रसाद व्यास आदि विद्वानों ने अपने शोध कार्यों, लेखों तथा ग्रंथों एवं शोधकर्ताओं का मार्ग निर्देशन कर राजस्थान के इतिहास को प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक बनाने में महत्वपूर्ण कार्य किया है।